ऑक्शन के लिए ही काफी एक्साइटेड था, तो मैं ऑक्शन का ही वेट कर रहा था। फिर मैं सब घर वालों के साथ अपना ऑक्शन देख रहा था, और जैसे ही मतलब CSK ने मेरे को फर्स्ट बिड किया तो मैं काफी इमोशनल हो गया, क्योंकि मेरा जो आइडल है धोनी सर वो चेन्नई की टीम में है, तो मैं काफी इमोशनल हो गया और मैं फैमिली को देख के काफी इमोशनल होने के बाद मैं रोने लगा, तो वो मोमेंट काफी अच्छा था। सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा था कि मैं मेरे एज था बट मैं वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, बट मेरे को सीनियर क्रिकेट में जब मैं अंडर 19 खेल रहा था उसके बाद मैं सीधा रणजी ट्रॉफी गया, तो मैं 16 या 17 साल का था जब मेरा रणजी ट्रॉफी में डेब्यू हुआ, तो फिर मैं यही सोचता था कि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं परेशान ना होकर मेहनत करूँ, तो जब मैं सीनियर में मेरे को चांस मिल रहा है अगर मैं वहाँ अच्छा करूँगा तो मैं ऊपर जा सकता हूँ, तो मैं सिर्फ यही सोचता था कि वर्ल्ड कप नहीं मिला कोई नहीं बट तू सीनियर क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके ऊपर जा सकता है, तो उस तरीके से अपना आपको तैयार कर। तो मैंने उसके लिए काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी चीज़ें सुधारी अपनी जहाँ गलती होती थी, तो मैंने सीनियर क्रिकेट पर ही फोकस किया। फिर मैं 4-5 साल का था तो मैं घर पे ही ऐसी जो कपड़े धोने की वो थापी होती है ना, तो मैं उससे खेलता रहता था। तो जो मेरे अंकल हैं मामा, तो वो मेरे कोच हैं जो यहीं पे एकेडमी है तो वो चलाते हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एकेडमी स्टार्ट किया ले जाना, तो मेरे मामा ने फिर मुझे क्रिकेट स्टार्ट कराया, वही सब कुछ मुझे ले जाते थे, छोड़ने आते थे, वही कराते थे, तो वहाँ से मेरा क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट हुआ। फिर मैं 9 या 10 साल का था तो फर्स्ट टाइम मैं अंडर 14 खेला, फिर मैं 2-3 साल 14 खेला, फिर मैं अंडर 16 में खेला। तो सर जब मेरा अंडर 14 में डेब्यू हुआ मैंने उसमें भी 100 मारा, फिर अंडर 16 में डेब्यू हुआ मैंने उसमें भी 100 किया, फिर जब मैं अंडर 16 के जोन के मैचेस खेल रहा था तो मैं 19 का मेरा डेब्यू भी नहीं हुआ था, तो मैं अंडर 16 के जोन के मैचेस से ही हमारे सेलेक्टर्स आए हुए थे, तो वहीं से अंडर 19 इंडिया के लिए पिक हुआ था अंडर 16 से। फिर मैं अंडर 19 खेला, उसमें भी अंडर 19 के डेब्यू में मैंने 52 या 54 समथिंग स्कोर किया, फिर उसके बाद अंडर 19 स्टेट खेला, तो अंडर 19 स्टेट में मैं कैप्टन था, तो मैंने विनू मा का ट्रॉफी हमारे वनडे होती है वो चैम्पियन कराया, फिर मैं वहीं से रणजी ट्रॉफी खेला, स्टेप बाय स्टेप मैं ऐसे बढ़ा और मेरे मामा ने काफ़ी सपोर्ट किया। जब मैं कैप्टनसी करता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील होता है, मैं कैप्टनसी काफ़ी इंजॉय करता हूँ, और अभी लास्ट मंथ मैंने अंडर 23 की भी कैप्टनसी की और हम चैम्पियन बने उसमें, तो मैं उसे काफ़ी इंजॉय करता हूँ, ना कि मैं प्रेशर लेके खेलता हूँ, तो मुझे कैप्टनसी करने में और कैप्टनसी के अंदर अपनी बैटिंग करने में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील होता है कैप्टनसी करके। मामा क्रिकेट को बोलते थे और पापा पढ़ने को बोलते थे, तो उसमें मेरी जो मम्मी है उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो 2011 में मैं 7 या 8 साल का था, तो वो मुझे को यहीं पे जो हमें प्रैक्टिस करता हूँ उनका रणजी ट्रॉफी का मैच था, तो मैं उसमें बॉल बॉय था, तो रैना भैया नॉकिंग कर लेते, तो उन्होंने बोला कि मेरे को बॉल डाल दो, तो मैंने उन्हें बॉल डाली, वो नॉकिंग कर रहे, फिर नॉकिंग के बाद एक इनिंग हुई तो उनका बीच में जो इनिंग का गैप होता है उसमें स्लिप फील्डिंग कर रहे थे, तो स्लिप फील्डिंग में वो खड़े थे कैच कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया और अपने साथ स्लिप में लगा लिया फील्डिंग सेशन में, तो वहाँ वो फर्स्ट टाइम मिले, फिर उन्होंने मुझे अपना एक ऑकले भी गिफ्ट किया, तो वहीं से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, और अभी UPPL में भी भैया मिले तो उन्होंने वहाँ भी मेरे को बोला कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ऊपर जाएगा, ऐसे ही करता रहे, तो भैया से जितनी बार भी बात की है उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। जब मैं अंडर 16-19 आया तो मेरे को मेरे आइडल धोनी सर रहे, तो मेरे को फील्डिंग बचपन से पसंद थी, लेकिन जब से मैं सीनियर टीम में गया हूँ तो मैंने रिंकू भैया से बहुत कुछ सीखा है फील्डिंग के बारे में, छोटी छोटी टेक्निक्स उन्होंने बताई तो फील्डिंग में मेरे को और हेल्प हुई।
काफी मैच मैंने देखे हैं ऐसे, और देखा जाए तो चेन्नई जैसी टीम के सर हर एक मैच बहुत ज्यादा मजा आता है उनके मैच देखने में, बट जो मुंबई चेन्नई की राइवलरी रही है और जो उनके मैच आते हैं सबसे ज्यादा उसमें मजा आया। बट मेरे को एक मैच याद है जो चेन्नई स्वामी में धोनी सर ने जिताया था, 60 कुछ समथिंग बनाए थे उन्होंने और लास्ट ओवर में उन्होंने मैच जिताया था। नहीं, मेरे फ्रेंड चेन्नई सुपर किंग्स में ऑलरेडी हैं, तो जैसे निशांत संधू है और रशीद है, तो वो मेरे साथ के हैं, तो वो मेरे काफी अच्छी दोस्त है दोनों। मैं काफी एक्साइटेड हूँ चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने के लिए और धोनी सर से मैं मिलने के लिए काफी एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ कि मैं उनको कैसे फेस करूंगा, तो मैं उनसे क्या बोलूंगा, कुछ बोल पाऊंगा भी या नहीं, तो उस चीज के लिए तो सिर्फ मैं एक्साइटेड और नर्वस हूँ।